बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाने हैं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्फ़ ले लिए और जी आइए क्रीम ले लिए। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहे ले लें। और जी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का मैंने सिरप ले लिया और ऑलपर का दूध लिया। यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं आप लोग। और स्ट्रॉबेरी ले लिए, इसके साथ साथ हमने अच्छे से धो के इसको कट कट कर लिए स्ट्रॉबेरी को। और जी चीनी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। जी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी मैंने इसलिए कम ली क्योंकि क्रीम जो है वो मीठी है इस वजह से। और चीनी आप अपने जैसे कम ज़्यादा जितनी करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ब्लेंडर ले लेंगे, जग ले लेंगे, उसमें हम जो है मिल्क और जो है चीनी साथ साथ सब चीज़ें जो ऐड करेंगे। और जी ये बहुत सिंपल सा है और बहुत ही मज़े का बनता है टेस्ट में। उसके साथ साथ क्रीम भी ऐड कर देंगे हम। और क्रीम अगर आप लोग दूसरी नॉर्मल जैसे हम लेते हैं वो वाली क्रीम लेना चाहें, विप क्रीम नहीं लें, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा आप इसमें। और ये क्रीम से बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मज़े का बनता है क्रीम से। और जी मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है, उसमें साथ साथ स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर दूँगी सारी। जी एक एक करके जी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें। और जी इसको हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके बनाते हैं। सब चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं, एक साथ डाल के ब्लेंड कर लूँगी। देखिए अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया इसको। और जी ये तैयार हो चुका है हमारा मिल्क शेक जो है। और जी ये ग्लास जो है मैंने पहले से जो सिर्फ आपको दिखाया है इससे मैंने पहले से डाल के इसमें मैंने थोड़े से रख दिया था फ्रिज में। और जी ये बना के मैंने रेडी कर लिया है और ऊपर से थोड़ा सा सिरप मैंने इसमें डाला है। और वैसे ज़रूरत तो नहीं है ऐसी टेस्ट के लिए डाला है, उसको मैं मिक्स करके अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा ये सिरप मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज के कलर थोड़े कम आए जूस में तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा इसे ना। मैंने वैसे ऐड नहीं करा, ऊपर से उसे हल्का सा ऐड किया। और देखें ये कितना क्रीमी बना है। और जी कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आज की, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और जी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और जी मेरे चैनल पे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।